हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स का दूसरा चैप्टर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी जो 11th क्लास है उसका सेकंड चैप्टर। चैप्टर का नाम है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर को बिल्कुल ताज़ा ताज़ा पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले पहला चैप्टर हमने पूरा का पूरा फिनिश कर लिया। ओके, और इस चैप्टर का आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चैप्टर के बारे में। एक्चुअल में चैप्टर है क्या, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो नाम से समझ में आ रहा है कि हमको इस पूरे चैप्टर में कुछ यूनिट्स के बारे में पढ़ना है और उनकी मेजरमेंट, हाउ टू मेजर दोज यूनिट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स थोड़ा इस टॉपिक से हट के आप सोचिए एक बार कि हर बार क्लास 9th, 8th, 10th कोई भी, ठीक है, आपको हर बार फिजिक्स या केमिस्ट्री, ठीक है, मोस्टली फिजिक्स में आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी, ओके, जितने भी फार्मूलाज पढ़े, जितने भी टाइप की डिफिनेशंस पढ़ी, हर एक टाइप की डिफिनेशन में नीचे एक लाइन ऐड कर दी जाती थी, इट्स एसआई यूनिट इज दिस दिस दिस। ओके, जैसे आपने 9th से फोर्स पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वहाँ पर बता दिया कि इसकी एसआई यूनिट न्यूटन होती है। क्यों न्यूटन होती है, या न्यूटन ही क्यों होती है। स्पीड के बारे में आपको बता दिया गया, इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। तो ये सब जो एसआई यूनिट निकल के आती थी, टेम्परेचर की एसआई यूनिट जैसे सेल्सियस है तो ये केल्विन होती है, तो ये सब जो यूनिट्स होती हैं ये कैसे बनी, ठीक है, फिजिक्स में इनका यूज़ क्या है, क्या इनके बिना फिजिक्स की दुनिया अधूरी थी, ठीक है। तो इसके लिए हम ये चैप्टर पढ़ते हैं, और बेसिकली ये चैप्टर अगर तैयार हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि मोस्टली डिफिनेशन या थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा जितना भी होता है किसी भी टॉपिक का, मोस्टली हर एक टॉपिक से रिलेटेड होता ही है। क्योंकि आप सेकंड चैप्टर में जाएंगे, मोशन में जाएंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, ग्रेविटेशनल फोर्स में जाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे, उधर आप यो कहे कि किसी भी डायरेक्शन में आप जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी में जाएंगे, मैग्नेट में जाएंगे, हर जगह पर आपको क्वांटिटीज मिलेंगे और उनके कुछ ना कुछ यूनिट्स मिलेंगे। ओके, तो इसका रिलेशन हर एक चैप्टर से है, तो इसके बारे में एकदम अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसका हमारा पहला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट्स, ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, ठीक, एंड इन द टर्म ऑफ विच द लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, कोई भी चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, हम हाथ से छू के ये तो बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ हॉट है या ये चीज़ कूल है, लेकिन कितना गर्म है कितना ठंडा है इसके बारे में बताना हो तो हमको फिजिकल क्वांटिटीज उनकी एसआई यूनिट्स के पास चलना पड़ेगा, इनको एक तरीके से न्यूमेरिकल पोर्शन में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा, ठीक है, कि ये 4 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। तो कहने का मतलब उसको एक न्यूमेरिकल पोर्शन में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, उसकी एक्यूरेट वैल्यू बता देना, यही हमको सिखाता है इस चैप्टर में। तो ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी कोई भी क्वांटिटी है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फिजिकल लॉ को फॉलो करती है उसके फॉर्म में एक्सप्रेस की जा सकती है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या हुआ, जैसे हमको ये मार्कर है, ठीक, इसकी लेंथ बतानी है तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, स्केल से इसकी लेंथ को मेजर कर लेंगे। ओके, और इनडायरेक्टली सपोज दैट अर्थ है और ये मार्स है, इनके बीच में कुछ एस्टेरॉइड मेस्टेरॉइड है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस हमको निकालनी है, तो ऐसा तो है नहीं इंची टेप लेके जाओगे, एक अर्थ पे पकड़ाओगे, एक मार्स पे पकड़ाओगे, नाप दोगे, ऐसा संभव तो नहीं है ना। क्या करोगे, लाइट ईयर में इनकी डिस्टेंस काउंट करोगे, मेजर करोगे, करोगे ही नहीं करोगे, मतलब इनको हम मेजर तो कर सकते हैं लेकिन किसमें, इन द टर्म ऑफ लाइट ईयर, मतलब ये इनडायरेक्टली मेजर की जाएंगे, डायरेक्टली नहीं कि हम इंची टेप उठाए या स्केल उठाए लेके जाके माप दिए। ओके, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एंड इन द टर्म ऑफ विच द लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस, ये भी फिजिक्स के रूल को, प्रिंसिपल को एक्सप्रेस करते हो, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जांपल, हमारे पास कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज हैं, आपके पास लेंथ है, लेंथ को मेजर कर सकते हो कि नहीं, मार्कर की लेंथ को मेजर कर सकते हो कि नहीं, टेम्परेचर है आपके पास,
ओके, आपके पास एरिया है, आपके पास स्पीड है, फोर्स है, वर्क है, इन सब चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं कि नहीं। तो मतलब कहने का मतलब ये सब क्वांटिटीज हुई, क्योंकि इनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर किया जा सकता है इन द टर्म ऑफ फिजिक्स बेसिक रूल। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज क्लियर हुआ। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये दो टाइप की हैं। आपने देखा होगा कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का यूज़ बाकी अदर फिजिकल क्वांटिटीज के अगर मैं साइन यूनिट बनाते हैं सब में, लाइक मीटर, लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। लेंथ को हम मीटर या सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलियन, सब चीज़ों में मेजर करते हैं। एरिया मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहने का मतलब इससे ये यूनिट बनाई गई है, कहीं ना कहीं लेंथ से ही एरिया का कनेक्शन होगा। तो हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो दो टाइप की हैं, ओके। पहली है फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी है डेराइव्ड क्वांटिटी। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इस पर आपको एक्सप्लेन करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला, इसका पहला टाइप है फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा टाइप है डेराइव्ड क्वांटिटीज, ओके। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज एंड आर नॉट यूजुअली डिफाइंड इन द टर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। जो क्या होती है? मोस्टली इंडिपेंडेंट होती है, उन्हें दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। उन्हें हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज, लाइक लेंथ, ठीक, टेम्परेचर, ठीक, मास, ईटीसी, बहुत सारी हैं, टोटल 7 हैं। तो ये एग्जांपल ऐसे क्या कहें, लेंथ, टेम्परेचर, मास, इन सब चीज़ों को, मास को कैसे और चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। वो किसी भी चीज़ का एक्चुअल जो मास होता है उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं। टेम्परेचर और लेंथ, इन सब चीज़ों को, ये सब क्या है? इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। इनको हम यूज करने के लिए अदर थिंग्स का सहारा नहीं लेते। लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या हैं? द फिजिकल क्वांटिटीज हुज डिफाइनिंग ऑपरेशंस आर बेस्ड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट होती हैं, लाइक वेलोसिटी, नाम तो सुना ही होगा। वेलोसिटी को अगर हम दूसरे इस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते फंडामेंटल क्वांटिटीज में? टाइम भी हमारा एक इसका क्या हो जाएगा? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब हम ये वेलोसिटी हमारी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा डिराइव्ड क्वांटिटी का एग्जाम्पल। दूसरा स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तीसरा फोर्स, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी? एक्सेट्रा, वेट हो जाएगा, ये सब चीज़ें डिराइव्ड क्वांटिटीज हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ऐसी क्वांटिटीज जो इंटरडिपेंडेंट हैं, ठीक है, जिनको डिफाइन करने के लिए अदर क्वांटिटीज का हम यूज नहीं करते हैं बेसिकली, ठीक है, या नॉर्मली, उन्हें हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। और जो दूसरे पे ही बेस्ड होती हैं, जिनको अगर हम डिफाइन भी करें तो इन बिना इनके डिफाइन नहीं कर सकते, उन्हें क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज, ओके स्टूडेंट्स। तो इसको आप नोट डाउन करिए, इनके बीच में डिफरेंस क्लियर करिए, ओके, टेक योर स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये टॉपिक है मेजरमेंट। मेजरमेंट आप नाम से ही समझ रहे हो, मेजर करने का तरीका, मतलब द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग अ फिजिकल यूनिट आर द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी टू अदर स्टैंडर्ड यूनिट्स, ठीक है। कहने का मतलब फिजिकल क्वांटिटी को कुछ स्टैंडर्ड यूनिट के साथ कंपेयर करना या मेजर करना, मेजर करने का तरीका, मेजर करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? मेजरमेंट, ठीक है। जैसे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, ठीक है, उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी है ना फिजिकल की, जो फर्स्ट पार्ट है फंडामेंटल, उसमें क्या है? लेंथ। तो अब कोई डिस्टेंस कितनी है, कितनी दूरी है, ठीक है, जैसे तुम्हारे स्कूल से तुम्हारे घर की दूरी कितनी है, ठीक है,
कुछ इस तरीके से, अर्थ से सन की डिस्टेंस कितनी है, अर्थ से मून की डिस्टेंस कितनी है, तो इन सब चीज़ों को मेजर करने की एक प्रोसेस होगी ना। अब इनकी लेंथ को ऐसा तो बैठे बैठे पता नहीं देखो, हमारे घर से स्कूल इतना दूर है, ठीक है, उसके लिए उसको मेजर करना पड़ेगा। और मेजर करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट। ओके, जैसे टेम्परेचर है, तो एक तरीके से कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है तो टच करके बताया जा सकता है, लेकिन कितना गर्म है, कितना डिग्री सेल्सियस में गर्म या ठंडा है, ठीक है, तो उस स्टैंडर्ड जो यूनिट है उसकी डिग्री सेल्सियस, उसके साथ जो उसका कंपैरिजन है, ठीक है, उसके साथ जो उसका क्या है, कंपैरिजन, ठीक है, मेजरिंग है, वही हमारा क्या कहलाता है, मेजरमेंट। ठीक है, मतलब द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग फिजिकल यूनिट विथ स्टैंडर्ड यूनिट, फिजिकल यूनिट का स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में मेजर करना, ठीक है। मोस्टली इसमें स्टैंडर्ड यूनिट को किस में कन्वर्ट किया जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी बेसिक यूनिट तो रहती है, लेकिन उसके साथ उसको न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है, ठीक है। जैसे सपोज दैट एक इंसान के लिए एक ही वैल्यू अलग अलग तरीके से हम दिखा सकते हैं। एक ही घर में दो लोग हैं, एक लड़का है, उसके पास एक गुल्लक है, ठीक है, गुल्लक में कुछ पैसे होंगे। अब लड़का से अगर पूछो, आप लड़के से अगर पूछते हो कि बेटा गुल्लक में कितने पैसे हैं, तो अपने हिसाब से बताता है मेरे गुल्लक में बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है। अब उसी को गुल्लक को उसके फादर के गार्डियंस में उनसे पूछो, उनके पापा से पूछो कि इसके गुल्लक में कितने पैसे हैं, तो कहेंगे हाँ थोड़े बहुत पैसे हैं, ठीक है। मतलब पैसे वही, अमाउंट वही, लड़के के सेंस में उसका अमाउंट दूसरा और उसके फादर के सेंस में अमाउंट दूसरा। अगर एक्चुअल में उसकी हमको मेजरमेंट पता होती, अगर लड़के को पता होता कि गुल्लक में 500 रुपए हैं, ठीक है, तो उसके पिता भी वही आंसर देते, उसका लड़का भी वही आंसर देता, देता कि नहीं देता कि गुल्लक में एग्जैक्ट कितने रुपए हैं, तो 500 रुपए हैं। तो एक्यूरेट वैल्यू हमको मेजर करनी होती है, ठीक है। तो द मेजरमेंट ऑफ एक्यूरेट वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। ओके, तो इस तरीके से आज के वीडियो में आपने पढ़ लिया कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, उसमें आपने फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटीज़ देखी और डेराइव्ड क्वांटिटीज़ देखी, फिर हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को किस टर्म में मेजर किया जाता है, कैसे मेजर करते हैं। ओके, तो मेजरमेंट हमने पढ़ लिया। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये वीडियो ख़त्म हुआ यहीं पर, और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फिजिकल यूनिट्स क्या क्या होती हैं, ठीक है, मतलब इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को किस वे में, किस रूप में हम मेजर करते हैं, ठीक है, और हमारी स्टैंडर्ड यूनिट क्या क्या है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी अगर आपके पास कमेंट या क्वेश्चंस हैं, तो उसके लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जितने टाइप की वीडियोस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, आपको आप तक आसानी से पहुँच सके। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।